सभी पार्टियों ने बारीदारों को बेवकूफ बनाया है और खासकर भाजपा ने, तो हम समझते हैं कि बारीदारों को इग्नोर कर रही है भाजपा, इसीलिए हम बारीदार सभी बारीदार इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने बारीदारों का जिक्र तक नहीं किया। वाच कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई भी नेता हमारे हक में बोलता, किसी भी नेता ने हमारे हक में बात नहीं की। ये सोचते हैं कि ये लोग वैसे भी हमें वोट दे देंगे, लेकिन इस बार बारीदारों ने डिसीजन लिया कि बारीदार संघर्ष कमेटी पूरा इनका विरोध करेगी और बारीदार संघर्ष कमेटी सिर्फ और सिर्फ अंकुश शर्मा का सपोर्ट करेगी। देखिए जय माता दी, आज की ये प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से रखी गई है। चूंकि 2024 की इलेक्शन जो है नज़दीक आ रही है और 26 तारीख को वोट पड़ने हैं, उसको लेकर बारीदार संघर्ष कमेटी ने ये फैसला लिया है। क्योंकि हम सभी पार्टियों को बड़े दिन से देख रहे थे, क्योंकि आप सब मीडिया के लोग और सारी जनता जानती है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बारीदारों को लेकर एक कमिटमेंट की थी कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन इस बार की उधमपुर की रैली में मोदी जी और उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने बारीदारों का जिक्र तक नहीं किया। और उसी चीज़ को देखते हुए आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बारीदारों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया और ना ही बात की गई। और यहाँ तक के यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, श्रीमान जुगल किशोर जी, जब मीडिया के बंदियों ने उनसे बारीदारों के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने भी उसको टाल मटोल उस पर किया और बारीदारों के बारे में कोई बात नहीं की। तो उसको लेकर आज बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हमारी तरफ से सभी बारीदार भाइयों को ये अपील है कि बारीदार जितने भी लोग हमारी इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हों, जहाँ हम घर घर जाकर भी उनको ये बताना चाहते हैं कि बारीदार संघर्ष कमेटी ने जो डिसीजन लिया कि हम इस बार अपना बोर्ड जो है वो एकम सनातन भारत दल पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान अंकुर शर्मा जी को देंगे, क्योंकि एक वाहिद ऐसे नेता हैं और एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो बारीदारों के हक के लिए लड़ रही है, हर जगह बोल रही है। पिछले दिनों जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट किया, श्रीमान अंकुर शर्मा जी वहां पर भी हमारे साथ मौजूद थे। इनकी पार्टी का हरिद्वार में एक सेमिनार बहुत बड़ा हुआ, उसमें भी इन्होंने बारीदारों के मुद्दे को फर्स्ट रखा और वैसे भी सनातन की हर मुद्दे के लिए ये अंकुश शर्मा जी लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बारीदारों का जिक्र किया और मंदिर मुक्ति आंदोलन को भी ये पूरे हिंदुस्तान में बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी को लेकर हमने ये पूरा विचार किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि कोई भी नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी बारीदारों के बारे में बात करती है, लेकिन आज चूंकि 2-3 दिन के बाद इलेक्शन है तो हम ये वाच कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई भी नेता हमारे हक में बोलता, किसी भी नेता ने हमारे हक में बात नहीं की। तो लास्ट जाकर हमने ये डिसीजन लिया कि बारीदार संघर्ष कमेटी जो है अब पूरा अपना बोर्ड जो है श्रीमान अंकुर शर्मा जी जो एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट हैं और जिनका चुनाव निशान बंसरी है, हम आपके माध्यम से सभी बारीदारों से ये अपील करना चाहते हैं कि श्रीमान अंकुर शर्मा जी को अपना कीमती वोट दें। हमारे लिए बारीदार हम पहले हैं, बाकी सब पार्टियां बाद में हैं। मैं सभी जितने भी दूसरी पार्टियों में भी हमारे चंद लोग उसमें हैं, मैं उनसे भी ये अपील करना चाहता हूं कि आप पार्टियों को छोड़कर पहले अपनी बरादरी का, अपनी बारीदारों के हित की बात करें, क्योंकि सभी पार्टियों ने बारीदारों को बेवकूफ बनाया है और खासकर भाजपा ने पिछले कई सालों से, 10 सालों से हम अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं और हर जगह जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। और इसीलिए हम सभी जितने भी पार्टियों में हमारे बारीदारों के जितने भी नेता हैं सबसे अपील करेंगे कि सब लोग अपनी सभी पार्टियों को छोड़कर एकजुट होकर बारीदारों के साथ चलें और श्रीमान अंकुश शर्मा जी को अपना कीमती वोट दें। मोदी जी ने 2014 में तो कह दिया था कि हम बारीदारों को परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनी, सेंटर में इनकी सरकार थी, और लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इन्हीं का राज है, एलजी साहब तो इन्हीं के अंडर काम करते हैं, लेकिन कभी कहीं किसी मुद्दे पे भी बारीदारों के साथ भाजपा नहीं खड़ी रही। कोई हमारा एक जरा सा भी कोई मसला इन्होंने कहीं पे भी टेकअप नहीं किया, ना तो हमें कहीं गवर्नर के पास लेके गए, नहीं पार्लियामेंट में हमारी कोई बात रखी, और जब सरकार में थे जहां असेंबली में भी हमारा बिल तक इन्होंने नहीं लाया। तो हम किस वजह से फिर बारीदार इनको सपोर्ट करें? ये सोचते हैं कि ये लोग वैसे भी हमें वोट दे देंगे, लेकिन इस बार बारीदारों ने डिसीजन लिया कि बारीदार संघर्ष कमेटी पूरा इनका विरोध करेगी और बारीदार संघर्ष कमेटी सिर्फ और सिर्फ अंकुश शर्मा का सपोर्ट करेगी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो जहां पे प्रत्याशी हैं श्रीमान जुगल किशोर जी, बारीदार संघर्ष कमेटी ने अप्रोच की थी उनसे मिलने के लिए, जबकि उन्होंने टाइम भी दिया था, लास्ट टाइम में उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो कहते हैं हम नहीं मिलना चाहते।
अब भी आपने देखा होगा दो तीन मीडिया वालों ने उनको पूछने की कोशिश की भागीदारों के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको टाल मटोल कर दी और उसके सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तो हम समझते हैं कि भागीदारों को इग्नोर कर रही है भाजपा, इसीलिए हम सभी भागीदार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भागीदारों का मुद्दा पिछले कई सालों से बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी हमारे साथ धोखा किया, लेकिन भाजपा ने रिसेंटली हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम आपके माध्यम से एक बार फिर पूरे समाज से अपील करना चाहते हैं कि इकट्ठे होकर हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना पूजा राइट नहीं मिल जाता, जब तक हमें पूरे अपने अधिकार नहीं मिल जाते। देखिए सुशील जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकम सनातन भारत दल जो है, इसकी सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हर मुद्दे पे सनातन के लिए लड़ रहे हैं, बारीदारों के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये डिसाइड किया कि हम अंकुश शर्मा जी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन आने वाले असेंबली चुनाव में भी बारीदार इस बार बैठकर एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे अपने लोग इसमें नहीं होंगे तब तक हमारा मुद्दा हल नहीं होगा। और बारीदार इस बार वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एक उम्मीदवार तैयार करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।